बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आप सबका जे के प्राइम मीडिया में और मैं आपकी मेज़बान मायमुना हसन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मंगल 22 फरवरी 2022, 20 रजब 1443 हिजरी और मैं पेश कर रही हूँ मुकामी अखबारात की सुर्खियाँ। सबसे पहले नज़र डालते हैं खास खास सुर्खियों पर। कश्मीर में पथराव का दौर खत्म हो चुका, हदबंदी मिशन मुकम्मल होने के करीब। जम्मू और कश्मीर में दरकार 6 से 8 माह के दौरान इंतखाबात कराए जाएंगे, अमित शाह। हदबंदी कमीशन रिपोर्ट, आवाम को लड़ाने की साजिश, डॉक्टर फारूक। जम्मू कश्मीर या लद्दाख, नौजवान मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार मोदी। पुलवामा में तलाश या हिंदवाड़ा में मिलिटेंट गिरफ्तार। ट्रेन की जद में आकर बड़गाम का शहरी लुकमा अजल। छानपुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाका, नटीपुरा का दुकानदार जा बहक। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगलात में आग, जेरी जमीन बारूदी सुरंग फटने से धमाका। कोई नया वायरस नहीं आया तो कोरोना 2022 में खत्म होगा, आलमी इदारा सेहत। जम्मू और कश्मीर में 104 कोरोना मुस्बत, 23 माह बाद वादी में सिर्फ 19, एक फोर्थ। 3 माह बाद 8 अजला में कोई मुस्बत नहीं। फ़ाल मामलात में 94% कमी, 34,000 से ज्यादा सेहत याब, 1949 अभी भी सरगर्म। जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी की अर्जी अदालत आलिया ने खारिज कर दी। आज शाम से हल्की बर्फबारी का इम्कान, 23 के शाम के बाद 10 रोज तक मौसम खुशक रहेगा। कश्मीरी दस्तकारी का शाहकार पश्मीना शाल। खाम माल की कमी और कीमतें बढ़ने से दस्तकार मायूस, आईजी टैग से सनत की बहाली का इम्कान। खाम माल की खरीदी से लेकर पश्मीना शाल बनने तक के सफर के दौरान कई लोगों को रोजगार मैसर होता था, लेकिन आमदनी ना होने की वजह से लोग अब पश्मीना शाल तैयार करने का काम भी तेजी से छोड़ रहे हैं। मरकजी बजट कौमी तालीम पॉलिसी को नाफिज करने में बहुत मददगार साबित होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बजट शोबे तालीम से मुतलिक 5 पहलुओं पर मरकूज। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का कयाम, फैसला तालीम इदारों में नशस्तों की कमी के मसले को हल कर सकता है। 21 फरवरी को आलमी यौमी मादरी जुबान के मौके पर कश्मीरी जुबान बोलने वालों के नाम मोदबाना गुजारिश, खुदारा अपने मुस्तकबिल को अपनी मादरी जुबान से दूर मत कीजिए, फौजिया मुगल। राजौरी सड़क हादसे में एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। जनूबी कश्मीर में ख्वातीन पर हमले और कीमती सामान उड़ाने का सिलसिला जारी। बद्रा गुंड काजी गुंड में कानों से बालियां उड़ाकर 2 नौजवान फरार। साबिका जंगजू की पाकिस्तानी नसरात बेगमात का श्रीनगर में एहतजाज, मरकजी सरकार हमें शहरियत के हकूक दे वरना अपने मुल्क वापस भेज दे। जिला अस्पताल पुंछ में मरीजों के लिए मखसूस बैतुल खुला, खस्ता हालत में मरीज और जमींदारों को बीमारी लगने का खदशा, हुकाम टच से मास नहीं। जंगलात और गैर जंगलाती इलाकों में शजरकारी तेज करने की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। 3700 तालाबों की मरम्मत, दोबारा तैमीर और तजदीद नौ की भी अहकाम। नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान दूरियों को कम करने की कोशिश, जमीनी सतह पर तब्दीली के हवाले से मरकजी सरकार जल्द ही इकदाम उठा रही है। कश्मीर में नया मामूल जिंदगी का तरीका बनता जा रहा है, जवान और आवाम के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई, जीओसी डीपी पांडे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी, दोनों ममालिक के मुफाद में फौजी तकरीबात पर आम शहरी फख्र से फौज के साथ खड़े होते हैं, जबकि हमारी तवज्जो कश्मीर माशरे के तमाम तबकात को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज। एक और सरकारी टीचर को गैर हाजिर रहने के पादाश में बरतरफ किया गया, बगैर इतला ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले 32 उस्तादिजा अब तक फारिग। इसी के साथ अपने मेज़बान मायमुना हसन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।